नमस्कार दोस्तों, मैं शशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डुप्लीकेशन फॉर्मूला। जैसा कि आपने कई बार सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग कामयाब होते हैं जो डुप्लीकेट कर पाए। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आज से पहले आपको किसी ने ना बताया होगा कि आखिरकार इस डुप्लीकेशन का मतलब क्या है और आखिरकार वो कौन लीडर्स हैं जो डुप्लीकेशन कर पाते हैं। अगर आप वाकई इसे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस डुप्लीकेशन फॉर्मूला को आपको समझाऊं, एक जरूरी सूचना मैं आपको दे दूं कि अगर आप इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का पहला रेसिडेंशियल एमएलएम मास्टरी वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 25 अक्टूबर से हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, यानी कि आप एनरोल कर सकते हैं 22, 23 और 24 दिसंबर आगरा के 5-स्टार होटल रेमडा में हम ये रेसिडेंशियल वर्कशॉप करने वाले हैं। तो अगर आप इस रेसिडेंशियल वर्कशॉप में आना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज देर मत कीजिएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स हैं। बहुत जल्दी बुक हो जाएंगे, बहुत सारे लोग पहले से तैयार हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले ये सूचना आपको दे दी है। तो जल्दी से अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो जो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करके और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिरकार ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या है। देखिए एक एक करके ये पूरी डुप्लीकेशन में जितने भी लेटर्स हैं मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि हर लेटर का क्या मतलब है और हर लेटर आपसे क्या कहता है और वो आपसे क्या करने के लिए कहता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। सबसे पहले आते हैं डी पे। डी का मतलब है डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट। बहुत सारे लोग डुप्लीकेट करना चाहते हैं लेकिन खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वही बंदा वही इंसान कामयाब होगा जो खुद को पहले अनुशासित कर पाए, जो खुद को पहले डिसिप्लिन कर पाए। बहुत सारे लोग के पास अपना कोई डिसिप्लिन नहीं, उन्हें कब जगना है, कब सोना है, क्या करना है, क्या एक्टिविटीज है उनकी पूरे दिन की, उनको कुछ भी नहीं पता। वो कभी तो 12 घंटे सो रहे हैं, कभी 14 घंटे सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कब क्या करना है। उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो आप डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो खुद को डिसिप्लिन कीजिए, अपनी एक्टिविटीज को डिसिप्लिन कीजिए। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, इस पूरी जिंदगी में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो पहला लेटर है डी, इसका मतलब है डिसिप्लिन योरसेल्फ। नेक्स्ट आते हैं यू। यू का क्या मतलब है? यू का मतलब है अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लीडर्स। लीडर्स की इमोशंस और प्रॉब्लम को समझना होगा आपको। बहुत सारे लोग लीडर्स की प्रॉब्लम्स को, लीडर्स की इमोशन को नहीं समझते और वो चाहते हैं कि लीडर्स उनके साथ काम करें या फिर काम करते रहें, उनकी बात मानते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। एक अच्छा लीडर जो वाकई डुप्लीकेट कर पाएगा सिस्टम को और बहुत सारे लीडर्स क्रिएट कर पाएगा, वो वही होगा जो लीडर्स की इमोशन को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। आपको यह समझना होगा कि आपके लीडर्स आपसे क्या चाहते हैं, आपके लीडर्स की क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ काम पे बात कर रहे हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स पे बात नहीं कर रहे, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, आप उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, फिर आप डुप्लीकेट कहां से करेंगे। इसलिए जो दूसरा लेटर है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लीडर्स। नेक्स्ट पी। पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है कि प्लान योर नेक्स्ट 30 डेज एक्टिविटीज। आपको अपनी और अपनी टीम की आने वाले 30 दिनों की एक्टिविटीज को प्लान कर लेना है। बहुत सारे लोग अब उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नेक्स्ट 30 डेज की एक्टिविटीज क्या है। जो आपके को लीडर्स होते हैं 10-20 जो को लीडर्स हैं और आप, इनकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज प्लान होनी चाहिए अगले 30 दिनों की। आपको अगले 30 दिन में किसको किसको क्या करना है, किसके क्या रोल है, किसको कौन सी टीम संभालनी है, किसको जाके कहां पे प्लान दिखाना है, किसको कितने जूम मीटिंग लेने हैं, किसको कितने ऑफलाइन मीटिंग लेने हैं, ये सारी चीजें पहले से तय होनी चाहिए। बहुत कम टीम मुझे मिलती है जिनके पास सच में बढ़िया सा नेक्स्ट 30 डेज का एकदम प्लान्ड एक्टिविटीज हो कि उनको करना क्या है। देखिए अगर आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है तो बड़ा मुश्किल है कि आप डुप्लीकेट कर पाए। क्योंकि देखिए डुप्लीकेट किसका होता है, सिस्टम का डुप्लीकेशन होता है। अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो फिर डुप्लीकेट क्या होगा नीचे।
तो एक सिस्टम आप तैयार करते हैं, फिर वो सिस्टम बाकी लोगों के द्वारा डुप्लीकेट कर दिया जाता है, और इस तरीके से एक पैसिव इनकम का सोर्स नेटवर्क मार्केटिंग आपके पास बन पाता है। अदरवाइज क्या होगा कि जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसे आएंगे, आप टीम से गायब, पैसे भी आपके अकाउंट से गायब, यानी पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आप काम करते हैं तभी तक ज्वाइनिंग आती है। आप काम नहीं करते, आप नहीं रहते, फिर टीम काम नहीं करती, इसका मतलब डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी और अपने कोर लीडर्स की एक्टिविटीज को प्लान कीजिए। आने वाले 30 दिनों की एक्टिविटीज बिल्कुल प्लान होनी चाहिए। नेक्स्ट एल, एल का क्या मतलब है? लर्न एज मच एज यू कैन, सीखिए जितना आप सीख सकते हैं, सबसे सीखिए, जिससे मन करे उससे सीखिए, किताबों से सीखिए, ट्रेनर से सीखिए, वीडियो से सीखिए, वर्कशॉप से सीखिए, इवेंट से सीखिए, ट्रेनिंग से सीखिए, सीखिए जितना हो सके सीखिए, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ बेचने का बिजनेस है, लेकिन जितने भी सफल नेटवर्क मार्केटर्स बने हैं, आप उनसे मिलिए, आप उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे ये सिर्फ बेचने का बिजनेस नहीं है, ये तो सीखने का बिजनेस है। और आपको सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स ये बताएंगे कि वो जितना सीखते हैं उनको लगता है उतना ही और बाकी है सीखने के लिए। तो जितने भी टॉप क्लास के नेटवर्क मार्केटर्स इस पूरी दुनिया के अंदर, वो सीखने में विश्वास करते हैं। सो लर्न एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आई। आई का क्या मतलब है? आई का मतलब है आइडेंटिफाई, ओके, आइडेंटिफाई फ्लो ब्रेकर्स इन योर टीम, यानी कि जो फ्लो को ब्रेक करने वाली चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्लो में काम होता है, जब एक टीम फ्लो में होती है, जब 20-30 लोगों की एक कोर टीम फ्लो में होती है, बहुत अच्छा काम होगा। जब सबकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, बहुत अच्छा काम होगा, आप देखिएगा। लेकिन कुछ फ्लो ब्रेकर्स होते हैं, ये फ्लो ब्रेकर्स कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभी ये कोई मुद्दा हो सकता है, कभी कभी ये कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव चीज हो सकती है, कभी कभी ये कोई लीडर हो सकता है नीचे का, डाउनलाइन का, व्हाटएवर, राइट। और कभी कभी ये कोर का ही कोई इंसान हो सकता है जो फ्लो को ब्रेक कर रहा है, और कभी कभी ये आपकी अपनी भी नेगेटिव मानसिकता हो सकती है जो आपके फ्लो को ब्रेक करे। तो जो फ्लो ब्रेकर्स है, देखिए क्या होता है कि कई बार लोग नेगेटिव चीजों पर बात कर रहे हैं। अब कोर बैठ के 4-5 लोग बैठ के क्या बात कर रहे हैं? कंपनी की नेगेटिविटी, अपलाइंस की नेगेटिविटी। तो ये क्या फ्लो ब्रेक करेंगे? आपकी जो एनर्जी है, आपका जो प्रवाह है, उसको ये ब्रेक करेंगे। तो जो फ्लो ब्रेकर्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरी टीम में कुछ ऐसा हो रहा है जो फ्लो को ब्रेक कर रहा है? क्या वो एनर्जी आपको महसूस नहीं हो रही? क्या वो पॉजिटिव ऑरा आपको महसूस नहीं हो रहा? क्या आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, फ्लो ब्रेक हो रहा है? तो उस फ्लो ब्रेकर को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेटर सी। सी का मतलब क्या है? क्रिएट एक्साइटमेंट। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कहिए या फिर सेल्स कहिए, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है। जब आप एक्साइटेड होते हैं कुछ भी सेल कर लेते हैं, जब आप एक्साइटेड नहीं होते आप सेल नहीं कर पाते। एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के ग्रोथ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि डुप्लीकेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको डुप्लीकेट करें, लोग आपकी टीम में काम करें, एक्टिविटीज बढ़ती रहे, तो एक्साइटमेंट बढ़ने के लिए इसमें आपको ध्यान होगा, इसमें आपको ध्यान देना होगा। एक्साइटमेंट बढ़नी चाहिए, अगर एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगी तो काम भी नहीं बढ़ेगा। तो क्रिएट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट को क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं। कई बार आप कुछ ऑफर दे देते हैं, अपनी तरफ से ऑफर देते हैं कि इतना सेल करने पे ये मिलेगा। कई बार आप रिवॉर्ड, प्राइजेस, हाँ, अवार्ड्स, बहुत सारी चीजें आप करते रहते हैं जिससे एक्साइटमेंट बना रहता है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी होगी, कुछ ऐसी चीजें लानी होगी जिससे टीम के अंदर एक्साइटमेंट बना रहे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं ए। ए का मतलब क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ए का मतलब है आस्क योर लीडर्स व्हाट दे डिड टुडे। अपने लीडर से पूछिए कि आज उन्होंने क्या किया। जो आपके कोर लीडर्स हैं, राइट, 10-20-30 लोग की जो कोर है, उनसे आप पूछिए कि आज उन्होंने क्या किया। कई बार कोई पूछने वाला ही नहीं होता, और इंसान जो है ना बड़ा अजीब सा प्राणी है, इससे ना पूछो तो ये कुछ करता ही नहीं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन तो बड़ी मुश्किल सी चीज है, इसलिए डिसिप्लिन को लेके आते हैं। देखिए डिसिप्लिन का मतलब कि जो बाहर के फोर्स हैं वो आपसे काम करवा रहे हैं। सर डिसिप्लिन का मतलब आपको खुद की समझ हो चुकी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आपको अपने लीडर से ये अवश्य पूछना चाहिए कि आज उन्होंने क्या किया। रात में एक कॉल जरूर करनी चाहिए, 20-30 लोग से जरूर बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आज आपने क्या किया, व्हाट यू डिड टुडे। आज आपने अपने टारगेट्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपना जो भी आपका लक्ष्य है उसे पाने के लिए आज आपने क्या किया। दिस वेरी बिग क्वेश्चन, ये आपको रोज पूछना चाहिए। नेक्स्ट,
टी पे आते हैं। टी का क्या मतलब है? राइट, डुप्लीकेशन, राइट, सी ए टी, यस। सो टी का क्या मतलब है और टी से हमें क्या करना है? राइट, टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे नेटवर्क, वही अभी मैं भी कर रहा हूं। टी का मतलब है टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स प्रॉपरली, टीच एंड ट्रेन योर लीडर्स प्रॉपरली। अपने लीडर्स को, अपने नए एसोसिएट्स को, अपनी टीम को बढ़िया तरीके से टीच और ट्रेन करते रहिए। अगर आप उन्हें ट्रेन नहीं करेंगे, टीच नहीं करेंगे, तो वो कुछ और सीख लेंगे या फिर कुछ वो ऐसा सीख लेंगे जो उनको नहीं सीखना है। तो जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी, वो आपको बनाना होगा कि जो भी नए लोग आए उनको एक सही टीचिंग और सही ट्रेनिंग मिल पाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस पे ध्यान देना होगा कि आप अपने लोगों को हमेशा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कुछ सिखा पा रहे हैं या नहीं सिखा पा रहे। इसी के लिए कहा गया था कि लर्न एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना सिखा पाएंगे, अगर सीखेंगे नहीं तो सिखा कहां से पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टीचिंग और ट्रेनिंग का ये बिजनेस है, तो आपको ट्रेन करते रहना होगा अपने लीडर्स को, अपनी टीम को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आई। आई का क्या मतलब है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई का क्या मतलब है। एक आई आया था आइडेंटिफाई, राइट, जो फ्लो ब्रेकर्स है, ये आई का क्या मतलब है? इस आई का मतलब है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नाइट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। अपने लीडर्स के अंदर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को इग्नाइट करना, आपको उसको जगाना है, उसकी चिंगारी लगानी है। देखिए कई बार हमारी टीम धीरे धीरे कुछ, अगर आप ध्यान नहीं देते इस पे, तो कई बार क्या होता है, इंसान प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाता है, इंसान सिर्फ प्रॉब्लम पे बात कर रहा है और छोटी छोटी प्रॉब्लम से लोग हतोत्साहित होने लगते हैं। कई बार तो प्रोडक्ट थोड़ा देर से पहुंच रहा है, इसके चलते वो काम ही छोड़ दे रहा है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग से ही नफरत हो गई। तो आपको ये समझना होगा कि हमें अपनी लीडर्स के अंदर प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच नहीं लेके आना, सॉल्यूशन सेंट्रिक, उनको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच उनको ना इग्नाइट करना है कि वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में सॉल्यूशन के बारे में सोचे, किसी भी मुश्किल में वो मुश्किल के बारे में सोचते सोचते मर ना जाए, हतोत्साहित ना हो जाए, बल्कि वो सॉल्यूशन उनके दिमाग में आए। तो उनको पहले से ही थोड़ा सा तैयार रखना है कि जब कभी भी कोई मुश्किल आए, गलत परिस्थिति आ जाए, फेवरेबल कंडीशन नहीं है आपके साथ, हाँ चीजें आपके अगेंस्ट चल रही हैं, तो उस समय आपको प्रॉब्लम चला के खुद को और टीम को हतोत्साहित नहीं करना, आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। तो ये आपको कोशिश करनी है कि आपकी टीम, आपके लीडर्स जो है, वो सॉल्यूशन के बारे में सोचने वाले हो, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम की बात करने वाले हो। ओके, टी आई ओ, ओ पे आते हैं। अब देखो ओ का क्या मतलब है, राइट, ओपन द गेट फॉर द फीडबैक एंड क्रिटिक्स। आपको जो अपना गेट है, राइट, किसके लिए? फीडबैक के लिए और क्रिटिक्स के लिए, वो खोल के रखना होगा। कई बार जो टॉप लीडर्स होते हैं वो कुछ फीडबैक नहीं सुनना चाहते, वो नेगेटिव बात नहीं सुनना चाहते, मतलब नेगेटिव मतलब क्रिटिक्स, आपके लोग, मैं यहाँ पे आपके लोग की बात कर रहा हूँ, टीम के कुछ लोग हैं जो फीडबैक देना चाहते हैं कि सर आप ऐसा थोड़ा कर देते तो बढ़िया होता, या आप काम नहीं कर रहे, या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे, लाइक दिस। क्रिटिक्स जो हैं, देखिए क्रिटिक्स खराब नहीं होते, वो आपको और बेहतर बनाते हैं अगर आप उनको पॉजिटिवली लें। जो कुछ लोग शिकायत करते हैं वो हमेशा खराब ही नहीं होते, वो शिकायतें आपको मौका देती है खुद को इम्प्रूव करने का। तो एक अच्छा लीडर जो वाकई डुप्लीकेट कर पाएगा इस सिस्टम में और बाकी लोगों को भी लीडर बना पाएगा, डुप्लीकेट करा पाएगा, वो वही होता है जो फीडबैक लेने के लिए तैयार होता है, जो शिकायतों को सुनने के लिए तैयार होता है और उन पे काम करने के लिए तैयार होता है। इसलिए मैंने कहा कि ओपन द गेट फॉर फीडबैक एंड क्रिटिक्स। एंड द लास्ट थिंग, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड का क्या मतलब है? नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी। यहां मैं नेगेटिविटी की बात कहां से कर रहा हूं? बाहर के लोगों से, राइट। कई बार बाहर के ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, तो मैं वो कह रहा हूं कि आप इसको नेग्लेक्ट कीजिए। अगर आपको सिस्टम में बने रहना, डुप्लीकेट करना, आगे बढ़ना, लीडर्स बनाने, खुद भी लीडर बनना है, तो आपको नेगेटिविटी को नेग्लेक्ट करना होगा। कई बार हम नेगेटिविटी को पकड़ के रख लेते हैं और उसी को शेयर कर रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं कि जब कोई गलत वीडियो आ जाती है, नेगेटिव वीडियो आ जाती है, उसको लोग बड़े चाव से शेयर करते हैं, ये वीडियो नहीं करेंगे शेयर। लेकिन देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूं, ये वीडियो शेयर करें ना करें, लेकिन कोई नेगेटिव वीडियो आ जाए वो मतलब आपकी तरह शेयर होगा, ये देखो ये देखो ये क्यों दिखा रहे हैं आप। नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी, मत कीजिए ये काम। और कई बार ऐसी वीडियोस पहुंचाते पहुंचाते मेरे तक भी पहुंचाते हैं, और एक दो लोग नहीं, सौ लोग पहुंचाएंगे, सैकड़ों मैसेज आएंगे, सर इसका कुछ कीजिए, इसका कुछ कीजिए। कुछ नहीं कर रहे बाबा, नेग्लेक्ट कीजिए। अगर आप नेगेटिव लोगों को हराना चाहते हैं तो मुस्कुराइए। अगर आप नेगेटिव लोगों को और उनके इंपैक्ट को कम करना चाहते हैं, नेग्लेक्ट कर दीजिए ना,
नेगेटिविटी का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन नेग्लेक्टेड राइट। और अपने लीडर्स को भी सिखाओ कि देखो नेगेटिविटी तो बनी रहेगी। इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब लोग एक मत से सहमत हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज पॉलिटिक्स है, इसे भी बहुत लोग हेट करते हैं। आज आप किसी भी चीज का नाम ले लो ना, हर इंसान तो ऐसा है नहीं कि पूरी दुनिया किसी एक चीज से प्यार कर ले। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप ये समझ जाइए कि नेगेटिविटी बनी रहेगी, तो आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, वो कुछ लोगों की बात को ढो के नहीं चलना है। कई लोग तो बहुत घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, उसको नेग्लेक्ट कीजिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। इस कोविड के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आज ये जो चीजें मैंने आपको समझाई है, एक बार वीडियो को खुद से देखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी टीम को समझाइए, ये सारी ट्रेनिंग अपनी टीम तक पहुंचाइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। और आगरा के लिए अगर आप तैयार हैं, 22, 23, 24 तीन दिन मेरे साथ, और ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, और जिस तरीके की फी हमने रखी है, जो हमने इसकी एक इन्वेस्टमेंट, एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट रखी है, वो जान के आप बड़े खुश होंगे। तो अगर आप तैयार हैं सीखने और सिखाने के लिए, तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।